ये छोक लगाया जा रहा है सुबह सुबह किस चीज़ के लिए? खिचड़ी के लिए। खिचड़ी की सब चीज़ें रेडी कर दिया मैंने, और यहाँ पर टमाटर और सोयाबीन डाल दिया। वाह भाई वाह, मज़ा आ जाएगा। सबको पसंद है मम्मी वहाँ कंपनी में ना, जैसे हम खावे साथ में मिले गए तो सबको खाना पसंद है खिचड़ी। मज़ा आ जाएगा, बासमती चावल होगी तो मज़ा आ जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे नए व्लॉग और हम आप अपना गौरव को शुरू करते हैं नए व्लॉग को। आप सुबह की राम राम, जय बजरंगबली, जय माता दी। और सुबह हो चुकी है और आज तीन चार दिन में आज वीडियो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं भाई, वरना जल्दी चला जाता हूँ कंपनी में क्योंकि काम बहुत ज़्यादा आ रहा है इस टाइम। और ऑफिस में मतलब कि थोड़ी सी मीटिंग बाहर से आ रहे हैं, फॉरनर आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, उस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसी मंथ में जाके नवंबर दिसंबर जनवरी इनमें बहुत ज़्यादा काम रहता है कंपनी में, इसलिए मैं लेट भी हो जाता हूँ। और बस अभी मम्मी खिचड़ी बना रही है और फिर आप चले गए ऑफिस में। ये माता रानी भगवान हैं और जय माता दी। गोपाल जी सेब दे दे गोपाल जी को सुबह सुबह खाने के लिए। गोपाल जी के पास चला है, सो गया बाबा जी, अपने पापा के पास खेल खेल के सो जाए। उसको देखो, उसे तो वहाँ भेज दिया, वहाँ सो लगा रहा हूँ। आ रहा सारे मैंने उसे दूध पिलाया, फिर मम्मी को आवाज लगा था भिजवा दे पापा जी के पास, मगर अभी गया था। अब चाय बनवा के मंगवाया ना जी, सोती तो है नहीं है, खड़े हो लो, चलो चाय पी लो। ठीक है, मैं देखो रात पूरा हाल कर दूँ यहाँ पर, पूरा गंदा कर दूँ। रात को आऊँ कभी बिस्किट कभी मूंगफली कभी कुछ ऐसे लग रहा हूँ। देखो हमारे लिए कोई जगह नहीं है, देखो देखो ये देखो बच्चे कब से तो रस रहे थे हम पहली बात कर रहे थे मैं हरा दी थी कि हमारे कमरे में भी ऐसे बच्चे के कपड़े ऐसे रह गए वहाँ, हमारे लिए तो कम जगह रहेगी पर बच्चे के लिए ज़्यादा रहेगी, पर वो टाइम आ गया। बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के, कभी वो दो दो मिनट में टॉयलेट कराया फिर उसके चेंज करो कपड़े पूरा मजा आया भाई। और बस अगर गिल्ला हो गया तो बस पूरा मजा आया भाई। कोई नहीं, सुबह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर अपना मजे में। अरे ये चीज़ लाई थी फिर हम इसके लिए, ये चीज़ अगर इसे थोड़ा सा मतलब कि ऐसा बजा भी देना बस एकदम डर जाएगा वो इन्हें देख कर। हाँ थोड़ा सा मतलब ऐसे ही है कि बेचारा कोई नहीं बड़ा हो जाएगा। और रात पटाखे फूट रहे जब बेटर रहता, फिर गेट लगा के अंदर ही लेगा बैठना पड़ा। चलो कोई नहीं, मैं धीरे धीरे अपना पापा जैसे रहते उन्होंने कह दीपावली पे तो पटाखे कैसे छुड़ा हुआ जब बाहर से इधर रहा है, कहते नाम के फूल जड़े लेकर आओ है। सही है, तो अभी देखते हैं बिल्ली लेकर जाएगा बाबू जी कब जाएंगे जल्दी। तब तक बिल्ली नहीं आई क्योंकि पहले तो सराज चल रहे थे और फिर मम्मी भी नहीं थी घर पे, मम्मी आई तो इसलिए अब जाओगी जल्दी। और फिर देखते हैं फिर कब प्लान बनता है, हुए का दावत कब को करनी है सबकी, वो सब भी प्लान करते हैं। प्लान तो तभी करना पड़ेगा जब बेली लेकर जाएंगे, उसके बाद ही सब कुछ प्लान होएगा। और कुआ पूजन भी है फिर, कुआ पूजन जल्दी, कुआ पूजन तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा कुआ पूजन। उसके बाद देखेंगे फिर जैसे भी होगा प्रोग्राम बनेगा, मम्मी पापा जी डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे करना है तो वो सब करेगा फिर। तो अभी बस मैं रेडी हो लेता हूँ, लेट हो रहे हैं अब तो ना, भी जल्दी निकल जाए सुबह को भी और रात को भी लेट ही आवे क्योंकि ज़्यादा काम होना है ना कंपनी में, इसीलिए कल भी 8 बजे निकल। कोई नहीं, 2-3 महीने की बात है फिर तो अपना फिर वही रूटीन। तो चलिए मिलते हैं शाम को। गाय सुबह के 10 बजे और मम्मी पूजा करने लगी, माता रानी की पूजा तो कर ली मम्मी ने, अब तुलसी की पूजा करने के लिए जा रही छत पर, ये दवाई लेने लग रही है, ये रहा पानी, ये रही मेरी दवाई और ये रहा मेरे पीसने का औजार। 1 साल होगा इस हथियार से दवाई पीस पीस के खटते खटते, पिछली बार अक्टूबर से शुरू करी थी और इस बार अक्टूबर से ही ख़त्म कर दी पूरे 1 साल बाद दवाई ख़त्म हुई बेबी आने के बाद। ये तुलसी की पूजा करके मैंने बताया था कि माता रानी की करके फिर मम्मी ऊपर गई तुलसी की पूजा करने के लिए। हेलो, राम राम जी, बड़ों को राम राम, छोटों का प्यार आशीर्वाद। काफ़ी समय से बस ऊपर का ध्यान नहीं लग हो रहा, ऊपर ऐसा ही फैला पड़ा सर, और धूप का सोच भी सोच के इसे लेकर जाऊंगी मालिक को ऊपर, मेरा तो माधव आएगा
मैंने तो अपना माधव नाम रखा है इसका, मम्मी ने माधव रखा, दीदी ने मानिक रखा और इसके पापा जी ने तरु रखा। कुछ भी बोल लेता है जो आप कह रहे ना कि छोटे से छोटे, ये तो कह रहे हो भाई प्यार से क्या छोटा सा कह देते है मुश्किल से हो पाया, मम्मी अकेली तो करने वाली है। अब दो तीन दिन से दीदी भी घर ही है, पर दीदी की तबीयत ऐसी खराब चल रही है, बुखार सा था इसका, डाउन हो रहा, लगी रहती है वो अपना जो उसका काम है वो वही करती है, अपना साफ सफाई का और कपड़ों की परहेज की जिम्मेदारी है इसके पापा पे। पापा जी परहेज कर रहे हैं, परहेज आज परहेज के ना बहुत सारे कपड़े हो रहे पापा जी, सुबह सुबह लग गए बटाते हैं एक दूसरे का, तो आप भी ऐसा ही घर को परहेज एक साथ लेकर चलो, ऐसा नहीं करते कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, जिसका जो मन गया जिसे जो काम दिखे वो ही कर ले। पापा जी परहेज कर रहे, मम्मी पूजा कर रही और दीदी छोटे से कुल्ले का बैठती दवाई दे भाई। अब पहले से ही कुछ हमने अपना रूल बना रखा है, जब तेरी अम्मी थी दोनों बहनें थी, मैं भी ऐसी नहीं थी कि भाई मैं लड़कियाँ भी कर रही है तो माँ हूँ बैठी रहूँ, ऐसा नहीं, जिसे जो काम दिखाई दे रहा ना वो करते रहो। मम्मी नाश्ता तैयार करने लगी है, बैठे मैं वर्षा के पास, मैं मैडम आई हुई है जो मैडम साथ में पढ़ाती है, दो दिन से स्कूल नहीं जा रही थी ना तो इस वजह से मिलने आई है घर पे, कि छोटे से को भी देख आवेंगे और मैडम घर पता लावेंगे, वर्षा तो मैडम है ना तो उससे मिलने आई है। दीदी की तो मैडम ही है हमारी तो नहीं है, मैं तो मैडम ही बोल रही, तो दीदी के पास जो दीदी के स्कूल की मैडम है वे आई हुई है छोटे से को देखने के लिए और दीदी का पता लेने के लिए, क्योंकि दीदी की दो दिन से तबीयत खराब है ना, तो इसीलिए मम्मी उन्हीं के लिए नाश्ता रेडी कर रही, लड्डू बिस्किट नमकीन चाय, वो पहले से वहीं गया है उन्हीं के पास, दीदी लेके चली गई, अब मम्मी ने उसे नहीं लाया, जगह काम खत्म कर गया, फिर मम्मी जब ही आई रसोई में, अब वो रहती है तो जल्दी काम नहीं खत्म हो जाता है जो वर्षा रह गया, तो शायद सोमवार का फिर सोमवार फिर आगे छुट्टी है दशहरे की। मानिक ने ना अपनी बुआ जी से काजल नहीं लगवाया, बड़ी मम्मी से काजल लगवाया देखो, पर इसने पूरे में फैला ली, पता नहीं क्या, जब बीस का काजल लगा हुआ है हाथ से पूरे फेस को गंदा कर लिया, काला काला कर लिया पूरा फेस, और हाथ भी देखो कैसे कर रखी है काजल में, अपने हाथ भी गंदे कर लिया काजल लगते ही के साथ, पूरे मुँह फैला लिया देखो, इधर वाला हाथ तो उसने ज़्यादा गंदा कर रखा देखो, देखो तो इस टाइम पूरा आला सारा, कभी आँख खोल रहा कभी बंद कर रहा देखो, उठने के मूड में भी है और सोने के में भी है। क्या कर रहे हैं? ये तो खिचड़ी खा लेते हैं ना, हम खिचड़ी रख रखी मैंने, क्यों व्रत? तू व्रत, तू भी व्रत है क्या? अरे सब अरे तेरे नाम में तो हम दे व्रत, तू क्यों रह रहा? बस मैं भी सोच रहा मैं भी रह लूँ क्या करूँगा ना, अरे तो एक कई साल घर में खाना बनाऊंगा। क्या खाया? क्यों मुझे यहाँ खाने में ना बनाया? एक चम्मच खिचड़ी खाली पर थे। हाँ बाबा जी इस छोटे से को मैच दिखा रहे। बाबा तुम भी अपने जैसे बनाओगे क्या मैचू? हाँ मैचू बनेगा ही। चार एक्स्ट्रा ओवर्स। मैच का ध्यान है पूरा। हमारी माता रानी सजी है। शाम के 5 बजे है और मानिक सोकर उठ गया है, बिना वीडियो के एक्टिविटी करता है, जैसे ही वीडियो बनाना शुरू करो एक्टिविटी बंद कर दे। शाम के 6 बज चुके हैं और खाने की तैयारी हो गई और मैं कीर्तन में से आई थी, पड़ोस में कीर्तन है पर गई तो थी थोड़ी सी देर के लिए, और प्रसाद घर पे ही आ गया है वर्षा के लिए, ये रखा प्रसाद, और अब खाने की तैयारी हो गई, खाने में आलू उबाल रहे हैं हम अपने व्रत के, और इधर अदिति से पूछती हूँ क्या बनवाएगी। अदिति तेरे पापा तो देख तोरी लाई, ये रख रखी मैंने काटने के लिए, तोरी खाओ कि कई दिन हो गए तो तोरी खाओ अब तो बदल बदल के दे रही हूँ मैं चीज, और तेरे देखती हूँ चल के तेरे ताऊ जी क्या सलाह कर रहे हैं बैठक में बैठे हुए, तीनों बैठे हैं आज तक, तीनों भाई एक नहीं है बस चौथे वाले, अभी देखती हूँ चल के। तीनों भाई के गपशप चल रहे कोतले बेली दे खाने का चल रहा काम, तीनों भाई के गपशप चल रहे वहाँ बैठे हुए, बेली कब दे आओगे कब चलोगे भाई, आज तो पूरे सुख है तीनों लगे पड़े, अभी तेरे अंकल जी नहीं आए चौथे,
डांस करने लगे। मैं कह रही हम गाओ गाना बाहर चले गए। इधर रूही किट्टू फोन देख रहे मम्मी का। दोनों बहन भाई खुश हो रहे। क्या देख रहे गेम खेल रहे हैं। रूही सुबह से क्यों नहीं आई थी बेबी के पास। झूठी बुखार हो रहा। बुखार कर ले अपने। और आ गई सच्ची में इसका बुखार। पता झूठ बोल रही मगर मुझे तो पता नहीं इसका बुखार हो रहा। रूही की फ्रेंड आ गई। देखो गायब भी होगी।